morning class was. Now this is the chapter number 8, fun with the tux paint. लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो हमारा टक्स पेंट होता है वो हमारा बहुत ही इजी रहता है, इजी होता है प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है ना। इसमें काफी सारे टूल्स होते हैं, एनिमेशन होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिससे हम अपनी बहुत ही क्रिएटिविटी वाली ड्रॉइंग बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी ड्रॉइंग बना सकते हैं। जो टक्स मॉस्कोट होता है ये गाइड करता है आपको कि आपको ड्राइंग कैसे करनी है, ये हमको सिखाता है कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पेंट करना है टक्स पेंट में, जो कि प्रीवियस क्लासेस में भी आपको थोड़ा बहुत बताया जा चुका है। देखिए ये हमारे टूल्स बार हैं, जो कि मेन इसमें बहुत सारे हमारे टूल्स बार होते हैं, ठीक है ना। कलर पैलेट है, कलर पैलेट में हमारे बहुत सारे कलर्स होते हैं। यहाँ पे ये ड्राइंग एरिया और कैनवास है, इसमें हमारा स्पेस होता है जिसमें कि हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। अप एंड डाउन एरो, ये एरो अप एंड डाउन करने के लिए होते हैं, इन एरो पे क्लिक कर देंगे तो आपके और भी ज़्यादा सिंबल्स दिखने लग जाएंगे। सिलेक्टर की बात करते हैं, सिलेक्टर को यूज़ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ करने के लिए। ये हमारा हेल्प एरिया होता है, ठीक है ना। इसमें आपको किसी भी टूल बार से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए न्यू टूल, न्यू टूल में क्या होता है, ये हमारा यूज होता है न्यू पेज के लिए, ठीक है ना। न्यू पेज लेना अगर हमें ड्राइंग के लिए तो हम इसको यूज करेंगे। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो हम न्यू टूल बार पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जो कि हमारा होगा। उसके बाद हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्लैंक पेज जैसा ये है हमारा, और इसमें हम ऑप्शंस देखेंगे कि कहाँ पर हम उसे सिलेक्ट करें और हम उसी पेज पर आ जाएं, ठीक है ना, मतलब इधर या उधर। उसके बाद फिर थर्ड नंबर का ऑप्शन है कि हम ओपन करेंगे, जो पेज हमारा खुला हुआ है, ठीक है ना। हम उसमें कलरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हम उसमें अपनी ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ब्लैंक पेज चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ओपन टूल, ओपन टूल की बात करते हैं। ओपन टूल हमारा वो टूल होता है जैसे किसी पर्टिकुलर ड्राइंग जो है हमारी, उसी को हमें दोबारा से खोलना है। ऐसा हम कहीं बाहर चले गए, हम उसे अंडू कर गए, ठीक है ना, या उसे हम छोड़ के चले गए तो वो हमारा गायब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसी पेज को अगर दोबारा से यूज करना है तो एग्जिस्टिंग ड्राइंग हमारी यूज होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप्स है, सबसे पहले हमें ओपन टूल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर डबल क्लिक करेंगे हम उसी इमेज पर और वो इमेज हमारी ओपन हो जाएगी, उसके बाद फिर हम उस पर काम करना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक किया है, ठीक है ना, और जो भी हमारी पहले चल रही थी हमने उस पर क्लिक कर दिया और हमारी वो ड्राइंग खुलकर आ जाएगी। सेव टूल को हमेशा यूज किया जाता है पिक्चर को सेव करने के लिए और ये एक क्लिक में ही काम कर देती है। स्टैम्प टूल की बात करते हैं, स्टैम्प टूल जो होता है उसे यूज करते हैं हम डिफरेंट स्टैम्प्स को, इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए, वो भी सिलेक्टर से। सिलेक्टर यूज करके हम उनको इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसे अंदर ला सकते हैं इमेजेस को। जैसे बहुत सारी इमेजेस हमारी टफ होती है तो हम उन्हें नहीं बना सकते, सबसे पहले हम स्टैम्प टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर दो एरो बने होते हैं, एक राइट में और लेफ्ट में, हम उन एरो पे क्लिक करेंगे जो कि सिलेक्टर की तरह यूज होता है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि बर्ड, एनिमल्स, ये सब हम यहाँ पे दिख सकती हैं। उसके अलावा हमारे जो स्टैम्प्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, देखो, एक तो हमारी मिरर इमेज बन सकती है, मतलब ये टूल जो होता है वो मिरर इमेज बनाने के लिए होता है। ये टूल जो होता है इंक्रीज और डिक्रीजिंग ग्राफ बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम ड्राइंग कैनवास पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टैम्प है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे जो भी पिक्चर हमें चाहिए थी हमने वहां पे क्लिक किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने एरो पे क्लिक करा है, ठीक है ना। फिर देखो हमारे पिक्चर जहाँ पे भी मैं बनानी थी वो हमारी बन चुकी है। टेक्स्ट टूल की बात करते हैं, जो टेक्स्ट टूल होता है उसे यूज करते हैं टाइप टेक्स्ट के लिए, ठीक है ना, मतलब हम अपनी ड्राइंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं।
ठीक है ना, कोई भी नेम लिख सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर हमें स्टाइल जो है सिलेक्टर से चूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें कलर चूज़ करना पड़ेगा कलर पैलेट से, उसके बाद हमें ड्राइंग कैनवास में उस कर्सर को लेकर आना पड़ेगा, कर्सर मिलेगा फिर वहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर कर देंगे तो हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ गए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो भी हमें स्टाइल लेना था, मतलब दोनों बड़े लेने थे या एक बड़ा एक छोटा, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर हमने कलर पैलेट से हमने कलर्स लिए हैं, फिर हमने यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, फिर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो हमारा वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए मैजिक टूल की बात करते हैं, मैजिक टूल को हम यूज़ करते हैं, इसमें हम कलर्स, इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स कलर ड्राइंग हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ब्यूटीफुल सीनरी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे मैजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास फ्लावर्स कार्टून कैरेक्टर्स साउंड, ठीक है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ये हमारा बहुत ही काम का मैजिक टूल होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैजिक इफेक्ट जो होगा वो हमारे सिलेक्टर में आएगा, वहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर, उसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, जो भी हमारी मैजिक इफेक्ट है उससे हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है ना, उसके बाद देखो हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने यहाँ पे किया, फिर देखो यहाँ पे हमारी वो बन के आ रही है, ठीक है ना। देखो कंप्यूटर रूम में हम जब भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इन द सेंस मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है, आपको किसी काम से कहीं बाहर जाना है, तो हमें स्लोली स्लोली जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनली आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।